I'm here to invite you in my vlog. Okay. Hi, what's up? Hi. He came from Germany to explore Chitkul and whole India. Now he is in Chitkul. Tomorrow in Shimla. Day after tomorrow in Delhi. Then Rishikesh. Then Bombay. सुबह सुबह मिल गए हमें हमारे दोस्त सांगला से हैं ये चितकुल में आए थे कल और मैं देख के खुश हो गया मैं कि तो वही बंदे हैं जो मिले थे अपने को वहाँ पे इतनी ठंडा सा लिप सुन हो गया बहुत ज्यादा ठंड है मैं इसको अभी फोन इस पे लगाया हुआ था ना अच्छा। कल में से मैंने चाय फ्री में पी थी क्योंकि वो जो सुबह मैंने दिखाया ना मेरे फ्रेंड आया सांगला से तो मेरे को मिले थे उनके दोस्त हैं तो उन्होंने बैठ के साथ में मेरे को बुलाया फ्री में जाए कभी पैसे से कभी फ्री से इतना यहाँ पे मेरा बोलचाल हो गया इतना जान पहचान हो गई है अरे भाई साहब बिल्कुल कोने पे है हाँ जी गुड मॉर्निंग राधे राधे क्या हाल चाल है सुबह के 5 बज चुके हैं और पूरी रात जाग रहा था सोया तो हुई नहीं क्या बताऊँ कभी कहाँ देखूँ कभी क्या करूँ कभी फ़ोन चलाऊँ कभी क्या समझ नहीं आ रहा था पूरी रात बिता दिए जैसे मर्जी करके और अभी कॉफ़ी बनाई है बिल्कुल अच्छे से कॉफ़ी पी रहा हूँ और यहाँ गैस जल रहा है ताकि हाथ सेकता रहूँ मैं ठंड ना लगे बस अभी 1 घंटे का और इंतजार है ताकि बाहर निकलूं और धूप का इंतजार करूं फिर 1 घंटे का और क्या यार तकड़ा एडवेंचर हो गया आजकल तो चलो मिलते हैं आपको दिखाते हैं कुछ सुबह के शॉट्स तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखेगा पर तुम्हें कोसने सब आ जाएंगे कुछ बढ़िया नहीं कर पाए तो तुम्हारी गलतियां निकाली जाएंगी कुछ अच्छा हो गया तो तुम्हारी किस्मत की तारीफ की जाएगी ये दुनिया एक सिंपल सा उसूल जानती है जिसकी चलती है ये उसी के साथ चलती है हाँ जी गुड मॉर्निंग राधे राधे हरे कृष्णा क्या हाल चाल है अभी मैं निकला सुबह मॉर्निंग वॉक पे और पूरी रात नींद तो आई नहीं और सुबह 4:30 बजे का आउट ऑन जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि मैं हाथ सेक रहा था गैस पे अपने कैंप के अंदर मेरे लिप्स सुनना है तभी आवाज़ अजीब सी निकल रही है मेरे हाथ भी सुनना है और मेरे दोनों पैर भी सुनना है दो सॉक्स डालने के बावजूद भी सुबह से उठा हूँ कब का कैंप के बाहर खड़ा हूँ सोचा आज टाइम लैप्स लेता हूँ और धूप का इंतज़ार कर रहा था लेकिन धूप आज आ ही नहीं रही नहीं तो इस टाइम तक फिर धूप आ जाती थी यार क्या हो गया सही से बोले नहीं यार लिप्स सुनना ना बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम तक धूप बिल्कुल क्लियर आ जाती थी लेकिन अब 7:30 हो गए सुबह के अभी धूप बिल्कुल थोड़ी सी निकल रही है और उनको सूरज देवता को बादलों ने घेरा हुआ है वो देखो मैंने अभी वेदर ऐप पे चेक किया है मौसम दिखा रहा है यहाँ का पूरा बादल 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 और धूप निकलने के चांसेस नहीं है अगर निकल जाए तो मेरी किस्मत अच्छी होगी अरे यार लिटरली यार बहुत ठंड है सुबह वैसे ही माइनस टेम्परेचर होता है यहाँ पर मैंने टाइम लैप्स लिए हैं कुछ होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे मुझे था कि धूप निकली कि अच्छे टाइम लैप्स लूँगा बट हुआ नहीं ऐसा मुझे आज निकलना है रिकोंगपियो के लिए साथ ही में एक और कैंप्स है वहाँ पे जो एक लड़का है मुझे मिला है कश्मीर से और उसके साथ जाना है आज बस पे रिकोंगपियो और कल हम जाएंगे काजा अभी यहाँ पे थोड़ी मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ देख लो भाई यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रोड पर मॉर्निंग वॉक होती है हमारी यहाँ पर इसे कहते हैं ऑफ रोडिंग वॉक है ना वहाँ अपने घर के पास तो सड़क पे बहुत सैर करी है ना ऐसी सड़क पे भी सैर करना बनता है ना यहाँ पे आके अगर यहाँ पे आके भी कैंप के अंदर बैठे रहे सुबह नाश्ता किया और निकल गए ये थोड़ी फिर तुमने टाइम स्पेंड किया टाइम स्पेंड तो ये होता है कि तुम एक जगह पे 3-4 दिन रहो अच्छे से घूमो मज़े करो उस जगह को निहारो उसकी खूबसूरती को निहारो तो फ़ायदा है एनीवे जो भी है चलो मैं पहले भी इस रोड पे पूरा भैया के साथ जो ओनर है जहाँ पे रह रहा हूँ मैं ओनर के साथ यहाँ पे पूरा सैर लगाने गया था परसों वो कहते हैं कि वो रोज़ लगाते हैं यहाँ दिन में 5-6 राउंड लगाते हैं वहाँ से लेके वो वहाँ तक जहाँ वो बेस कैंप टाइप है ना ऊपर से बने हुए हैं थोड़े से लेकिन मैं तो नहीं गया मैं आधे रास्ते से वापस आ गया था वो भैया कहते हैं कि ये रोज़ लगाने चाहिए यहाँ पर इससे ठंड नहीं लगती क्योंकि बॉडी की मूवमेंट होती रहती है और पैर गर्म रहते हैं ये बात है तो मैंने भी उस टाइम पे उनके साथ एक राउंड लगाया था वापस आ गया अरे भाई साहब हे सूरज देवता प्लीज़ आ जाइए मेरी किस्मत अच्छी होगी अगर आ जाओगे तो हाय भाई
आपको बाद में मिलते हैं आराम से, मैं थोड़ी आगे तक वॉक कराता हूँ। बहुत बातें कर ली हैं हमने सुबह सुबह मुझे ब्रश भी करना है, अभी ब्रश नहीं किया मैंने। थोड़ी धूप निकलेगी, थोड़ी गर्मी होगी तो ही करूँगा। कल देखा था ना, ब्रश किया था वहाँ बांसपारी और मुँह सूख जम गया था मेरा। निकल तो रही है धूप, बट देखते हैं पूरी अच्छे से निकल जाता है, बहुत बढ़िया। और देखो पीछे का व्यू, ओ भाई साहब, शिट मैन। वो भैया रात को मुझे कार की आवाज़ आ रही थी मेरे कैंप में, वो भैया निकल गए लगता है, जिनके साथ कल मैं घूम रहा था ना उस वाले एरिया में बैक साइड पे, रात को निकल गए वो। चलो सही है। मैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था, मैं कहा लैग तो है, मेकअप कर दिया। नहीं नहीं अभी करूंगा मेकअप। और सुनाओ ठीक हो? बढ़िया। सुबह सुबह मिल गए हमें हमारे दोस्त, सांगला से हैं ये, चितकुल में आए थे कल, और मैं देख के खुश हो गया। मैं कह तो वही बंदे हैं जो मिले थे अपने को वहाँ पे, इतनी ठंड है सर, लिफ्ट सुन लो गए बहुत ज्यादा ठंड है। मैं इसको अभी फोन इस पे लगाया हुआ था ना, अच्छा। तो मॉर्निंग वॉक पे गया था, कुछ शॉर्ट्स लिए अच्छे अच्छे। आज मैंने से टाइम लैप्स लूंगा, लेकिन सूरज अच्छे से निकला नहीं था अभी, आज धुंध है ना, वो थोड़ी बादल है ना थोड़ा। और सुनाओ? बस बढ़िया, ये तो खुलता भी वहाँ से खुलता है ना, चचा भी आ गए चाय वाले हाँ चचा 8 बजे से पहले आ रहे चचा, ये लोग है यहाँ से। तो मैं अब कर रहा हूँ ब्रश, और फिर ब्रश कर लेते हैं आराम से, फिर चलते हैं वहाँ पे हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान, मतलब चचा के पास चाय पीने के लिए। चचा को चचा बड़ा फेमस कर दिया मेरे ब्लॉग में चचा चचा चचा। तो बस ब्रश करता हूँ, फिर अपन चलते हैं वहाँ पे, रश खाते हैं, चाय पीते हैं आराम से, उसके बाद देखते हैं आज जाना है या नहीं जाना। वो लड़का मिला था मेरे को अभी, वो कहता निकलना है, मैंने कहा जैसे कहो निकलते हैं, नहीं जैसे कहो नहीं। यहाँ लोगों का फोटोशूट चालू है, मैं रश का पैकेट ले आया हूँ, अब पीते हैं चाय, चचा को बोल के पीते हैं। देखे चचा क्या कर रहे हैं, क्या हाल है चचा, ठीक हो? एक चाय दे दो गरम गरम, मैगी बन रहा है उनका, अच्छा कोई बात नहीं आराम से बना रहे। देखा मैंने कहा था ना फिर दोबारा आ जाऊंगा यहाँ, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आराम से यहीं बैठा आराम से। मैं कल गया था ना, मैं यही 20 करोड़ आग में दोबारा आएगा कब तक मुझे तो तर। सीन कुछ ये था कि कल जब यहाँ पे चाय पीने आया था ना, तो मैंने चचा को 100 रुपये दिया था, वो कह रहे खुला नहीं है तेरे पास, मैंने कहा यार नहीं है, तो उन्होंने मेरे खुले पैसे दे दिए। मैंने कहा चिंता मत करो, यही इसमें से 20 रुपये चाय के कल आपके वापस आएंगे, तो आज फिर वापस आ रहे। कल में से मैंने चाय फ्री में पी थी, क्योंकि वो जो सुबह मैंने दिखाया ना, मेरे फ्रेंड आया सांगला से तो मेरे को मिले थे, उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने बैठ के साथ में मेरे को बुलाया फ्री में जाए, कभी पैसे से कभी फ्री से। इतना यहाँ पे मेरा बोलचाल हो गया, इतना जान पहचान हो गई है। ऐसा होता है अगर आप किसी जगह पे हफ्ते से ज़्यादा रहते हो, तो ऐसे ही होता है ना, लोग जाने लगते हैं आपको। बेस्ट चाय वाला इन द वर्ल्ड चितकुल, कभी आओ तो जरूर चाय पीना यहाँ पे। मैं स्लीपिंग बैग अपना पैक कराया हूँ, और बाकी बैग पैक करना है, कैंप को खोल के वापस बैग करना है, पैक करना है, लेकिन दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, क्योंकि इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा है, मन को भा गया है ये नज़ारा। और जो लड़का मेरे को मिला है, इसके साथ जाना है आज, वो भी यही कह रहा है कि मन नहीं कर रहा पर जाना तो पड़ेगा। देखता हूँ क्या सलाह बनती है मेरी, जाना है या नहीं, अगर नहीं दिल कर रहा तो नहीं जाएंगे, अगर जाना पड़ा तो चले जाएंगे। घूमना तो आगे भी है, बट इस जगह को थोड़ा और निखारने का मन है बस, और क्या। एनीवे अभी चचा वो आमलेट बना रहे हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं उनकी, तभी चाय देंगे ना मेरे को। मैंने कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम यहीं पे हैं आपके साथ। और देखो नदी वाला शूट चल रहा है वहाँ पर,
हमारा कोई शूट करने के लिए कोई है नहीं यहाँ पे, हम सोलो आए हैं, खुद ऐसे करके करते हैं। ओ कब तक मुझे तू वो जो बंदा देख रहे हो वो सामने दिख रहा है आपको, वो देखो कल उसके साथ हम बैठे थे यहाँ पे। चलो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ उससे। ये है जर्मनी से, जर्मनी से यहाँ पे आया घूमने के लिए। पता नहीं कंफर्टेबल है या नहीं कैमरे में आने के लिए, जाकर देखता हूँ एक बारी। ओके पैक सॉरी I'm here to invite you in my vlog. Okay. Hi, what's up? Hi. He came from Germany to explore Chitkul and whole India. Now he is in Chitkul. Tomorrow in Shimla. Day after tomorrow in Delhi. Then Rishikesh. Then Bombay cycling to Kanyakumari, bro. He came from Germany. तो तुम यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकते, क्या होगा इनका? कमाल है ना? सही है। हाय लिवाइस की स्वेट शर्ट डाली है आपने भाई, चितकुल में आओ तो भैया कैंप ट्राई कर लेना यहाँ पे। क्या नाम भैया? कैंप्स का उसका प्रिंस रिवर साइड कैंप्स, जरूर ट्राई करें। ठंडी है सर, ठंड तो कुछ नहीं है भैया वहाँ। मैं सोया का तो यार मैंने चाचा को बोला था कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा चाय दे देना, मेरे को साथ में रस खाने हैं, तो उन्होंने इतना सारा पूरा घर के भर के दे दिया गिलास। तो अभी देख देने आए थे तो कहते ले तेरे लिए 3 गिलास जितना चाय दे दिया, खुश रहे। अपने नाम से रस खाते हैं। तो यार यहाँ पे बैठे चाय पीने के बाद मेरे को 1 घंटा हो गया है, मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ, रील बना रहा हूँ, कभी क्या बना रहा हूँ, कभी क्या अपलोड कर रहा हूँ, कभी क्या, यहाँ से हटने का दिल ही नहीं कर रहा। वैसे आपको बात बताऊँ, वो 3 चाय के बदले में चाचा ने सिर्फ 20 रुपये ही लिए, मतलब 1 चाय के पैसे लिए हैं, इतना प्यार बन गए। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं पापा मम्मी को एक बार यहाँ जरूर ले गया हूँ, मेरी दिल की तमन्ना है उनको ये व्यू दिखाना है, ये ज़िंदगी दिखानी है उनको। अभी ठंड बहुत है तो वो झेल नहीं पाएंगे, इसलिए उनको लाया नहीं पापा को, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर लेके आऊँगा यहाँ पे। आप लोग भी आना भाई, यहाँ से मिलना चाय पीना, बहुत अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। ये सेटिंग अरेंजमेंट है ना यहाँ पे, ये वाला ये देख लो, वो सामने भी स्कूल के बेंच लेके गए, वहाँ बैठो यहाँ बैठो, बाकी आपकी मर्जी है, सामने व्यू देखो मजे से। और सामने साथ ही में रिवर जा रही है, बांसपा रिवर। इतना अच्छा एनिमेशन भी आपको कहाँ मिल सकता है। और मेरा दिल है कि यहाँ और रुकूँ 5-6 दिन, अगर मैं आगे जल्दी चला गया काजा फिर जल्दी मेरा ख़त्म हो जाएगा महीना, समझ नहीं आ रहा क्या करें यार। बट मेरे को यहाँ पे भी इस व्यू को देख के वहाँ पे ना मज़ा सा आ रहा है। लेकिन मैंने अभी अपना स्लीपिंग बैग तो पैक कर लिया, कैंप भी जाके भी पैक कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ऊपर होटल में रहूँगा तो या फिर आगे तो जाना है ही है, क्योंकि जो जिसने साथ जाना मेरे वो बंदा सामने बैठा है कैंप के अंदर, वो भी अभी सोच रहा है क्या करूँ, दिल है नहीं उसका जाने का, लेकिन उसको नेक्स्ट वीक के 20 तक उसको दिल्ली पहुँचना है, तो उसको तो अपना ट्रिप एंड करना ही पड़ेगा, मेरे को कहीं नहीं पहुँचना, मेरे पास खुली छूट है, मेरे पास खुला टाइम है, मुझे कोई चिंता नहीं है कहाँ पहुँचने की। मेरा मन चाहेगा जितना मर्जी यहाँ रुकूँ, जितना मर्जी इनको निहारूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा है कुछ इस ज़िंदगी का। चलो देखता हूँ, टाइम हो गया 11 बज चुके हैं, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड करे हैं यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देखो भाई, बहुत अच्छे शॉर्ट्स हैं। मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है किशोर कुमार वाले, और उस टाइम में जो दौर में जो गाने थे ना वो बेस्ट गाने थे, आज के टाइम में गाने अच्छे हैं लेकिन वो बात नहीं आती, वो ना वाइब नहीं आती पुराने वाली। तो मुझे किशोर कुमार के गाने पसंद है, तो मैं उसके ऊपर रील बनाई है, आप लोग देखो अच्छी लगती है तो भाई कमेंट करना ज़रूर, और बस मिलते हैं फिर आगे, देखते हैं क्या प्रोसेस है आगे का। तो ये सारा सामान मैं पैक करके ले आया हूँ अपना, ये स्लीपिंग बैग, वो मैट, और इसे खाने का सामान, और ये भरपूर बैग मेरा, सारा सामान पैक करने मेरे को समेटने में लग गया 1 घंटा 10 मिनट। इस जगह को छोड़ने का टाइम आ गया, दिल तो नहीं है इस जगह को छोड़ने का, लेकिन सांस चढ़ रहा ना, ये काफ़ी स्टीप है, ये देखो बहुत ऐसे ऊपर जा गया, इतना सारा सामान लेके चल रहा हूँ। तो बस अब इस जगह को छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन जाना पड़ रहा है, आगे भी जाना है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पे किया है,
थोड़ा स्ट्रगल आगे भी करेंगे, तभी जाके दिन पूरे होंगे ना हमारे। और बस बहुत भारी है भाई, मुझे लग रहा था कि मेरा बैग थोड़ा हल्का हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत सारा कुछ खाया भी है यहाँ पे, सामान निकाला है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ खाया ही नहीं है, वैसे का वैसे भारी बैग पड़ा है। एनीवे वो जो लड़का जिसके साथ जाना था वो आधे घंटे पहले ऊपर चला गया, उसने कहा था 12:40 की बस है, फटाफट आ जाइयो। मैं कहता हूँ 1 बज गया, 12:40 तो दूर की बात है, अभी देखता हूँ बस चली गई या वो चला गया या वही खड़ा है, पता नहीं, बाकी देखते हैं अपन आगे का क्या सिस्टम है अपना। अभी चलते हैं, थोड़ा चलता हूँ फिर थोड़ा रुकता हूँ। जो भी मेरे को देखता है ना वो यही बोलता है, भाई इतना सारा सामान कैसे और वो भी इतनी ठंड में सोलो कैंपिंग कैसे। मैंने कहा भैया सर्वाइवल बंदे हैं हम, स्ट्रगल कर लेते हैं थोड़ा सा, तुम्हारी तरह नहीं है घर बैठते हैं, है ना, तो बस यही सीखता है, चलो चले अब। तो बस आ गई है हमारी जो रिकॉन्ग की हो जाएगी, ये रही फाइनली, सारा सामान मैंने अंदर रख दिया है, 3-4 बैग हैं सारे समेट दिए अंदर। एक तो सीट पे रख दिया, कई बार कंडक्टर बोलता है ना अभी सवारी आती है कोई तो उसको बैठना है, बैग नीचे रखो। मैंने कहा भैया इतना भारी बैग नीचे कैसे रखूँ, उठाया नहीं जाएगा। अरे भाई कहाँ बैठ रहा है मेरे पास आके, यहाँ के कुत्तों में बाल बहुत होते हैं, सबको मेरे पास ही आना है क्या? ओ भाई यार गार्ड बटन लियो, पहले भी कुत्ते ने काटा मेरे को, 5-6 टीके लगवाए थे मैंने भाई। आज पूरा भरा हुआ है ये हिंदुस्तान का की ढाबा। बस अभी बच चुके हैं 1:30 बज चुके हैं, हम पहुँच जाएंगे 4-5 घंटे बाद रिकॉन्ग पियो, बस के नज़ारे लेंगे फिर से आज 6 दिन बाद, फिर से झटके लगेंगे किशू। ला सो जाओ, कोई काम धंधा है नहीं, बस जब देखो सोना है इनको, है ना भाई, व्यू कितना शानदार है ना। अरे भाई साहब बिल्कुल कोने पे है भाई, हल्का सा टायर उधर गया नहीं और सीधा नीचे, भाई साहब क्या गजब ड्राइवर है हमारे। लो भाई तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपन कालपम में, और हमने ये बुक किया यहाँ पे डोरमेट्री सोलो ट्रैवल के लिए जो होती है ना, ये बुक करिए आपको दिखाते हैं। सिंगल पर्सन यहाँ सो सकता है, ऊपर भी है यहाँ पे कर्टन दे रखा है, यहाँ भी घुस सकता है बंदा आराम से, बिल्कुल बेस्ट चीज़ है सोलो ट्रैवल के लिए। और बिल्कुल बजट ट्रिप करना चाहते हो आप तो बजट के लिए बहुत सही चीज़ है, मेरे को ये पड़ा सिर्फ एक बंदे के लिए 500 रुपये में, और ये है कालपा में, इसका नाम है द अल्पाइन नेस्ट होटल के नाम से, और मेरे साथ ये भाई जो हमें कश्मीर से यहाँ पे हिमाचल में मिले, ये भाई साहब कश्मीर के पहाड़ छोड़ के हिमाचल के पहाड़ देख रहे हैं तेरे को कैसा लगा एक्सपीरियंस यहाँ का? इसकी लाइट का है यार, बढ़िया, अब ठीक है, एक्सपीरियंस बता भाई थोड़ा सा। मैं तो घूमता रहता हूँ जब मुझे फ्री टाइम मिलता है, पहाड़ों का एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही होता है इसको, यहाँ पे इसको चितकुल से प्यार हो गया। हाँ वापिस शायद उधर ही जाओ उधर यार लोग अच्छे मिल गए। अरे बेस्ट 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 प्लेस है यार, तेरे को भी उधर ही मिला और अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स भी निकल गए। अरे हमारा तो अलग ही कनेक्शन निकला है भाई, क्या बताएं, अलग कनेक्शन निकल गया, जान पहचान निकल गई हमारे म्यूचुअल फ्रेंड में से कुछ खास ही। तो बट ऑल द बेस्ट टू दिस गाय, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 3 दिन से देख रहा हूँ इसको कैसे रात रात को बना रहा है, तो डू सब्सक्राइब इस चैनल गाइस। भाई को थोड़ा सा हुआ था कि यार तू कैसे सो रहा है स्लीपिंग बैग के अंदर, मतलब बाहर ठंड में -15 टेम्परेचर में, इट्स नॉट इजी फॉर नॉर्मल पीपल बट आई डिड। चलो ठीक है, जो है सही है, मेहनत करनी चाहिए, जैसे मर्जी करो, आपके लिए कर रहा हूँ भाई, सपोर्ट करो मेरे को yes. अगर अच्छा लगता है तो भैया कुछ भी तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लिंक हर जगह पहुँचा दो मेरा। तो अभी 6 बज चुके हैं, हम वहाँ से चले थे 1:30 बजे के करीब, बस ने हमको पहुँचा दी है यहाँ पे, और हम भूख से वह बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब नीचे जाएंगे खाना खाएंगे, बहुत भूख लगी सुबह की, मैगी खाई है नाश्ते में और कुछ खाया ही नहीं है, बस एक चाय पी थी वो चचा की हिंदुस्तान में आखिरी चाय की दुकान पे। तो अभी अपन नीचे जाते हैं, खाते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है, फिर सो जाएंगे क्योंकि सुबह निकलना है हमने काजा,
सुबह 5 बजे बस स्टैंड पहुंचना है, 5:30 बजे की बस है, तो काजा पहुंचना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सॉरी, बस स्टैंड पहुंचना बहुत जरूरी, काजा तो जरूरी नहीं पहुंचना, काजा तो जब मर्जी जा सकते हैं अपन। तो ठीक है, मिलते हैं अपन बाद में आराम से। जब तो आप पिछले प्रीवियस व्लॉग को देखो, अगर नहीं देखा तो, बहुत मेहनत वाला काम किया मैंने, -15 टेम्परेचर में स्लीपिंग बैग अपने कैप में सोना, वो भी चितकुल में। तो अगर वो व्लॉग नहीं देखा तो जरूर जाके देखो, फिर आप इस व्लॉग को वापस देखना। लो भाइयों, तो खाना आ गया, रोटी, शाही पनीर, चावल, मिक्स वेज, दाल, तो ये खाएंगे बहुत दिनों बाद। किसी और की हाथ का बना खा रहा हूँ भाई। क्यों? अच्छा, ये तो खुद का बना के खाया ना, मैगी खाई है, चावल बना के खाया है, आज होटल में खा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है देख के भाई, खा के बातें कर रहे हैं। ठीक है, अपन खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। ये क्रिकेट के महाशय फैन होली विराट कोहली की चाह कर रही है, विराट कोहली आज खेल जाए, खेलेगा, आज कोहली मारेगा, वो कहते हैं माही मारेगा, माही मारेगा, माही मारेगा।